खुशी रहो, आपका स्वागत करती हूं द न्यू स्टॉक चैनल में। टल्ली होके दूल्हा आया जब बारात में, तब दुल्हन ने जब देखा उसको, तब उसी दौरान उसने शादी से कर दिया इनकार और किया कुछ ऐसा काम कि वहां पर खड़े हुए जितने भी लोग थे, जितने भी व्यक्ति थे, वो रह गए हैरान। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। और जो जहां पर शादी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, हमारे जीवन में सिर्फ एक ही दिन होता है और हम इसको काफी ज्यादा सम्मानता देते हैं, वहां पर लोग ऐसे ऐसे भी काम कर रहे हैं। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स आपके लोगों के लिए खाली पड़ा है, प्लीज कमेंट करते हुए जरूर जाइए कि आपके जीवन में शादी की क्या महत्वता है, वो जरूर बताइए और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसके साथ शुरू करती हूँ आज की न्यूज। धनबाद जिले से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहां पर एक लक्ष्मी और रोहित नाम के लड़के की शादी थी। आप लोगों को पता है कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। शादी से पहले दोनों परिवार एक दूसरे के सामने बैठते हैं और अपनी लड़की के बारे में बताते हैं, अपने लड़के के बारे में बताते हैं और ये सब चीजें होती है, क्रॉस इंक्वायरी होती है कि लड़की का बैकग्राउंड कैसा है, लड़के का बैकग्राउंड कैसा है, क्या वो नशा तो नहीं करता, क्या वो ये चीज तो नहीं करता, कितना कमाता है, क्या कैसा उसका बिहेवियर है, नेचर कैसा है, सब चीजों के बारे में जाना जाता है शादी से पहले। क्योंकि बोलते हैं कि शादी एक्चुअली पूरे जीवन भर का साथ होता है, इसमें कभी कभार मिस्टेक अगर हो जाए तो ये जीवन भर का साथ सिर्फ कुछ टाइम तक ही रहता है। ऐसा ही ये मामला हो गया था क्योंकि जल्दी जल्दी में शादी करवाने के ऊपर कुछ लोग झूठ भी बोल देते हैं। यहाँ पर भी शादी करवाने से पहले कुछ ऐसे झूठ बोले गए थे जो कि शादी के मंडप में ही पकड़े गए। जब रोहित बारात लेके आया, पहले रीति रिवाज सब चीजें हो गई, जब बारात लेके आया तभी भी वो काफी ज्यादा लड़खड़ा रहा था और उसी दौरान फिर भी इग्नोर कर दिया गया। उसकी पॉकेट से कुछ नशे की चीजें भी निकली, फिर भी इग्नोर कर दिया गया। और जब रसगुल्ला खिलाने की रस्म हुई तब उस द्वारा दूल्हा काफी ज्यादा अलग अलग हरकतें कर रहा था और वो अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जब उसको पकड़ के पूछा गया तब उसने बोला कि वो दारू पी के आया है। तब तक सब लोगों को पता चल गया था और सब लोगों को उसने ये चीज बताई कि वो कंटिन्यूसली पांच साल से वो नशा कर रहा है। जब इस चीज के बारे में पता चला लड़की को, लक्ष्मी को, तब वो काफी ज्यादा दंग रह गई और उसने वहीं की वहीं शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि किसी ऐसे हाथ में जाने से अच्छा है वो कवारी रह जाए। और उसी दौरान हम आपको ये चीज बता दें कि लक्ष्मी के माता पिता नहीं है, उसकी बड़ी बहन है और उसके जीजा जी है जो कि उसकी शादी कर रहे थे। उस दौरान वो काफी ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती है पर फिर भी वहां पर उसको जीवन साथी दिखाई दिया था, वो अरेंज मैरिज थी, पर यहाँ पर सब जगह पानी फिर गया था। और जब वहां पर दुल्हन के पूरे परिवार ने दूल्हे के पूरे परिवार को पकड़ा, बिठाया और बोला कि आपको हम शादी नहीं करेंगे, जितना भी खर्च हुआ है तुम्हें देना पड़ेगा, तब वहां पर वो लोग आनी कानी करने लग गए और तभी के तभी वहां पर पुलिस बुलाई गई। और पुलिस ने जब पूरा मामला सुना तब सुनने के बाद दूल्हे के पक्ष को ये बोला गया और ये सुनिश्चित किया गया कि एटलीस्ट वो जितना भी पैसा उनका लगा है वो उनको वापस कर दे, क्योंकि दुल्हन काफी ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। आखिरकार ये सब चीजें समझाने के बाद वो दूल्हा के पूरी फैमिली वाले इस चीज को मान गए और उसके बाद उनको पैसा दिया गया और ये केस को वहीं पर क्लोज किया गया। पर गाइस आप खुद ही बताइए कि दारू पीना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है क्या कभी कभी किसी चीज में इंजॉय करना, और जहां पर आपका जीवन का सवाल होता है, इतना बड़ा आप एक डिसीजन ले रहे होते अपनी लाइफ का, वहां पर आप नशे में डिसीजन लोगे तो आपको तो कुछ याद तक नहीं रहेगा। ये सब चीजें मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। जो लोग ये करते हैं मुझे लगता है कि वो लोग मानसिक हालत से ठीक नहीं होते, शायद ये सब चीजें करते हैं और उन लोगों को इस चीज की आदत ही पड़ जाती है। मुझे लगता है कि ड्रिंक हमारी लाइफ में काफी ज्यादा लेस पॉइंट है जो कि माइनस पॉइंट है जो कि हमें खत्म कर देती है। आपका क्या मानना है ड्रिंक के ऊपर और शादी का क्या मानना है, आपके लाइफ में शादी क्या महत्व रखती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।